हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, वेलकम टू TSL स्कूल मैथमेटिक्स। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस। हमने पढ़ रहे थे हम ना कि व्हाट आर कॉल्ड फंक्शंस, क्या होते हैं फंक्शंस। में हम दो तरह के फंक्शंस देख के आए थे, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, उन दोनों के ग्राफ देखे थे। थर्ड नंबर का फंक्शन हमने देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम प्लॉट करके आए थे। उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। सो व्हाट इज एग्जांपल नंबर 14? एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है देखना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब का ग्राफ हमको बनाना है ना। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है आर को। सो वी हैव एफ ऑफ ज़ीरो। अब यहाँ पे मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एफ ऑफ ज़ीरो किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के। एफ ऑफ माइनस वन किसके बराबर आएगा? माइनस वन की क्यूब, विच इज इक्वल्स टू माइनस वन। एफ ऑफ वन किसके बराबर आएगा? वन की क्यूब, विच इज इक्वल्स टू वन। एफ ऑफ टू किसके बराबर आएगा? टू की क्यूब, विच इज इक्वल्स टू एट। एफ ऑफ माइनस टू किसके बराबर आएगा? माइनस टू की क्यूब, विच इज इक्वल्स टू माइनस एट। एफ ऑफ थ्री आएगा 27। एफ ऑफ माइनस थ्री आएगा माइनस 27, बिकॉज माइनस थ्री की क्यूब इज माइनस 27। तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है हमारे पास, रेंज में क्या नंबर्स आ रहे हैं? वन, माइनस वन, एट, माइनस एट, 27, माइनस 27, इस टाइप के नंबर्स हमारे पास आएंगे। ओके, सो देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू, एफ किसके बराबर हो गया? एक्स कॉमा एक्स क्यूब। मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इज, एफ जो फंक्शन है मेरा, एफ फंक्शन क्या हो गया? ए कॉमा बी, यानी एक्स, ये होता है एक्स कॉमा वाई, एफ फंक्शन होता है एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे मेरा वाई किसके बराबर है? एक्स क्यूब के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एक्स कॉमा एक्स क्यूब। तो जैसे इनको मैं प्लॉट करूँगी नंबर्स को, ये जो मेरे पास ऑर्डर पेयर आए, क्या क्या आया है मेरे पास? 0.0 आया है, 1.1 आया है, -1.-1 आया है, 2.8 आया है, -2.-8 आया है, 3.27 आया है, एंड -3.-27 आया है। तो जैसे इनको मैं यहाँ लगाती हूँ, देखो 0.0 ये हो गया, 1.1 ये हो गया, ये -1.1 हो गया। देन उसके बाद 2 पे वैल्यू सीधी 8 जा रही है, तो ये 2.8 हो गया, ये -2.8 हो गया। देन उसके बाद 3.27, यानी यहाँ पे ये कहीं 3.27 आएगा और यहाँ पे -3.27 आएगा। तो ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ इसीलिए कुछ इस टाइप से आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने एक और पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बना के स्टडी करा है। देन नेक्स्ट कम टू रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? रेशनल यानी पी अपॉन क्यू टाइप के। अब फंक्शंस है तो ये मैं लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों क्या होंगे? पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे एक्स के, डिफाइंड इन ए डोमेन, किसी एक डोमेन में डिफाइंड होंगे। एंड जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स, ये जो है ये किसका एग्जाम्पल हुआ? रेशनल फंक्शन का। तो इसको देख के इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर माइनस ज़ीरो। एफ मेरे को कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है? देखो आर माइनस ज़ीरो से आर। नाउ आर माइनस ज़ीरो से आर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन है वो आर माइनस ज़ीरो है। ज़ीरो डोमेन में ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डोमेन में ज़ीरो आ गया तो उस ज़ीरो की कुछ ना कुछ इमेज होएगी। अब मेरा यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, तो यानी ये जो यहाँ से मेरा एक्स आएगा, यहाँ से मेरा वाई आएगा। अगर डोमेन में ज़ीरो है, यानी अगर एक्स ज़ीरो होता है, तो वन अपॉन ज़ीरो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डोमेन में से मुझे किसको हटाना पड़ा? मुझे डोमेन में से ज़ीरो को हटाना पड़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसीलिए ये फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? आर माइनस ज़ीरो टू आर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ज़ीरो। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन? अब एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए मुझे टेबल कंप्लीट करनी है। वाई दे रखा है वन अपॉन एक्स, यानी जब एक्स की वैल्यू माइनस टू है, यानी वन अपॉन माइनस टू, वन अपॉन माइनस टू इज़ माइनस 0.5। फिर उसके बाद जब एक्स की वैल्यू माइनस 1.5 है,
यानी माइनस वन अपॉन 1.5। जैसे ये पॉइंट हटाऊंगी ये हो गया 10, यानी 10 को डिवाइड करूंगी 15 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 0.67। माइनस वन यानी माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस वन अपॉन नहीं सॉरी प्लस वन अपॉन माइनस वन, बिकॉज एक्स माइनस वन है तो ये वैल्यू आ गई माइनस वन। एक्स को रखूँगी पॉइंट माइनस पॉइंट फाइव, यानी वन अपॉन माइनस 0.5, ये पॉइंट से ज़ीरो यहाँ गया, फाइव से ये कट गया दो बार, है ना, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस टू, तो ये आ गई माइनस टू। फिर जैसे ही 0.25 रखूँगी, यानी 1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाया 00, 25, 4,100, तो वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही 0.5 की वैल्यू आएगी 2, 1 की आएगी 1, 1.5 की आएगी 0.67 और 2 की आएगी 0.5। तो ये हमारी यहाँ पे टेबल कंप्लीट हुई। अब अगर मैं इसकी डोमेन देखती हूँ तो डोमेन मेरे पास क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग 0, r माइनस 0, 0 पे मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगी। तो डोमेन तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इस फंक्शन की, द डोमेन देखो, सबसे पहले अगर मैं ग्राफ भी अपन प्लॉट करेंगे, पहले अगर मैं इसकी डोमेन देखती हूँ तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो एंड रेंज इज़ ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। ना डोमेन में ज़ीरो आ रहा है ना ही रेंज में ज़ीरो आ रहा है, तो इसकी डोमेन भी कितनी हो जाएगी आर माइनस ज़ीरो, और इसकी रेंज भी कितनी हो जाएगी आर माइनस ज़ीरो। क्लियर है, ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो देखो क्या आ रहा है इसके ग्राफ में, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, माइनस टू पे माइनस पॉइंट फाइव, माइनस वन पॉइंट फाइव पे माइनस 0.67, माइनस वन पे माइनस वन। तो इन ग्राफ्स को, इन पॉइंट्स को जैसे ही मैं प्लॉट करूँगी तो ये जो मेरा ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ मेरा किस टाइप का आएगा, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला जैसे कि आपको फिगर में पॉइंट्स मार्क करना, एंड उन पॉइंट्स को मार्क करके आप जस्ट उस एक रफ़ लाइन जैसे ही खींचोगे तो आपको इस टाइप का कुछ फिगर मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट फंक्शन आता है, वो आता है मॉड्यूलस फंक्शन। ना मॉड्यूलस फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहुत। मॉड्यूलस फंक्शन किसको कहते हैं, ये आपके क्लास 12th में भी बहुत काम आएगा, अभी 11th में भी हम इसको काफ़ी जगह जगह पे स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भूल जाएंगे, वी हैव टू स्टडी इन फर्दर चैप्टर्स आल्सो। मॉड्यूलस फंक्शन, द फंक्शन एफ आर से आर मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये जो दो लाइन के अंदर मैं एक्स लिखती हूँ इस लाइन को मैं मॉड बोलती हूँ। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। एक्स जब जीरो से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, बट फॉर नेगेटिव, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ माइनस टू, तो मॉड माइनस टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखना मॉड माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, अब ये माइनस टू कैसा है, नेगेटिव है, ओके, सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस टू, अब माइनस टू कैसा है, माइनस टू, यानी एफ ऑफ एक्स, एक्स जब लेस देन ज़ीरो है तो कितना होएगा, माइनस एक्स, यानी माइनस ऑफ एक्स कितना है, माइनस टू, विच इज़ इक्वल्स टू टू। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स में लिखती हूँ मॉड टू, तो मॉड टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज टू कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए मैं ये वाली डेफिनेशन लगाऊंगी, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू टू। तो मॉड फंक्शन की क्या खासियत होती है कि ये हमेशा किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है, चाहे नेगेटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो देखो माइनस वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव, वन की वैल्यू वन, टू की वैल्यू टू, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू थ्री, एफ ऑफ फोर की वैल्यू फोर, इसी तरह से माइनस वन की वैल्यू भी वन, माइनस टू की टू, एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, एफ ऑफ माइनस फोर इक्वल्स टू फोर। इसीलिए ये जो ग्राफ है ये इस तरह से वी शेप का आता है। ये बात हुई मॉड्यूलस फंक्शन की। नाउ नेक्स्ट कम्स टू सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन एफ आर से आर डिफाइन मेरे को क्या कर रखा है, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो वैल्यू वन है, जब एक्स जीरो है तो वैल्यू ज़ीरो है, और अब जब एक्स लेस देन ज़ीरो है तो वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस वन।
यानी सारे नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यू हमेशा वन रहेगी, यानी -2.1 -1.1 ये सब इसके पॉइंट्स आएंगे ना, इस टाइप के सारे पॉइंट्स आएंगे। तो इसका ग्राफ किस टाइप का आएगा देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप का आएगा। देखो जीरो पे जीरो है और ग्रेटर देन जीरो पे वन है। इस कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज आर। डोमेन क्या है? पूरी आर है, क्योंकि जीरो से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। और रेंज जो है वो क्या है? सिर्फ तीन पॉइंट्स आ रहे हैं इसके रेंज में, आइदर -1, 0 और 1। तो ये इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ हो गया है, ये इसका ग्राफ हो गया। जीरो पे वैल्यू जीरो हो गई, देन जीरो से बड़े जो भी वैल्यूज़ हैं, देखो जीरो पे वैल्यू वन नहीं है ना, इसीलिए इस वन पे मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस वन पे ओपन लगा हुआ है, क्लोज नॉट नहीं है, क्योंकि जीरो पे वैल्यू वन नहीं है ना। जीरो पे वैल्यू कितनी है? जीरो। ये जो वन है ये इंक्लूडेड नहीं है, दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड। वन पे वैल्यू वन है, टू पे वैल्यू वन है, यानी क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं देखो, 0.0 पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, यानी 1, 2, 3, 4 सब पे वैल्यू कितनी आ रही है? वन। तो ये वन पे भी वन, टू पे भी वन, थ्री पे भी वन, तो ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने, क्लियर है। देन इसी तरह से अगर नेगेटिव की बात करूँ तो -1 पे वैल्यू -1 आएगी, -2 पे भी -1, -3 पे भी -1, तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज चलेंगी, तो ये इस साइड में एक क्या आ जाएगी, नेगेटिव लाइन आ जाएगी, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ हुआ हमारे सिग्नम फंक्शन का, इसकी डोमेन हुई आर और इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज कितनी हुई हमारे पास, इसकी रेंज हुई हमारे पास -1, 0 एंड 1, क्योंकि सिर्फ तीन पॉइंट्स ही आ रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तीनों फंक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स। इसको बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक्स लिखते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो बॉक्स एक्स की क्या डेफिनेशन होती है? बॉक्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू किससे होगी? एक्स से। बॉक्स एक्स की वैल्यू जो भी वो एक्स है अंदर, उससे हमेशा छोटी या बराबर होएगी। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स एक्स की डेफिनेशन से हम क्या देखेंगे? बॉक्स एक्स -1 होएगा अगर एक्स किसके बीच में है? -1 से 0। अगर -1 से 0 के बीच में एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -1। अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इसकी वैल्यू आएगी। 1 से 2 के बीच में है तो बॉक्स एक्स 1 आएगा। 2 से 3 के बीच में है तो बॉक्स एक्स कितना आएगा? 3 आएगा, जहाँ पे 2 इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। देखो 1 से 2 रीजन में वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो 1 इंक्लूडेड है लेकिन 2 एक्सक्लूडेड है, दिस इज़ 2 इज़ एक्सक्लूडेड। तो 2 पे मैंने ओपन नॉट लगाई है। 2 से 3 में वैल्यू कितनी आ रही है? 2। 3 से 4 में वैल्यू कितनी आ रही है? 3। 0 से 1 में अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो एक लाइन इसमें यहाँ भी आएगी जहाँ पे 1 जो है वो एक्सक्लूडेड रहेगा। फिर -1 to 0 की बात करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। वैल्यू -1 इंक्लूडेड है ना, लेकिन 0 एक्सक्लूडेड है। तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके देखो जो इसका ग्राफ है वो कैसा है? स्टेप है, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उस टाइप से इसका ग्राफ है। तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस फंक्शन के काफ़ी नाम होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने बात की आइडेंटिटी फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 7 फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को हमने स्टडी किया है। यही बेसिक ग्राफ्स होते हैं जिनको यूज करके हम सारे फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हैं। जस्ट आपको पॉइंट्स देखने हैं और उनको बनाते जाना है ना, जो पॉइंट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, 1.1 है, 0.1 है, पॉइंट्स मेंशन करो। अगर कंटिन्यूस ग्राफ है तो कंटिन्यूस बनाओ। ये सब कैसे हैं? डिसकंटिन्यूस ग्राफ्स हैं, ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इनको हम एक साथ पेन बिना पेन उठाए
नहीं बना पाएंगे, पेन हमको उठाना पड़ेगा, इसलिए ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। लेकिन इस ग्राफ की बात करूँ मैं तो ये कॉन्टीन्यूअस ग्राफ है, इसकी बात करूँ तो ये भी कॉन्टीन्यूअस है। ये एक बार में ही हमसे पूरा ये ग्राफ हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी फंक्शंस की। लास्ट लेक्चर आपका बच रहा है एक्सरसाइज 2.3 का। आप लोग एक्सरसाइज 2.3 ट्राई करना, जो जो क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट होते हैं, जैसे विच ऑफ द एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट में दे रखी थी, एग्जाम्पल नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो, 3 ट्राई कर सकते हो ना, ये सब फंक्शंस आप एक बार इनको ट्राई करना। देन उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।